पाकिस्तान के 15 रुकनी वर्ल्ड कप स्क्वाड में 3 तब्दीलियां कर दी गईं। मोहम्मद हसनैन, आजम खान और खुशदिल शाह को स्क्वाड से निकाल दिया गया। फखर जमान, हैदर अली और सरफराज अहमद स्क्वाड में शामिल। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम और स्टाफ आज सिक्योर बबल में दाखिल होगा। कौमी स्क्वाड शाम को लाहौर के मकामी होटल में रिपोर्ट करेगा। 7 रोजा करंतना के बाद टीम 15 अक्टूबर को दुबई रवाना होगी। रवानगी से पहले स्क्वाड को 4 बार कोरोना टेस्ट के मराहल से गुजरना होगा। पहला कोविड टेस्ट आज लिया जाएगा। रिपोर्ट मनफी आने पर कौमी टीम कल से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। मुल्की अमूर पर मुशावरत के लिए बड़ी बैठक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। ऐलामिये के मुताबिक बैनुल अक़वामी बरादरी से अफगानिस्तान को इंसानी बहरान से बचाने की अपील की गई। अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत के साथ तामीरी, सियासी और माशी तालुकात पर बैनुल अक़वामी रवाबित की अहमियत को उजागर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने अफगानिस्तान से बैनुल अक़वामी इनखला की कोशिशों में पाकिस्तान के तआवुन पर इत्मीनान का इजहार किया। इजलास में वफाक वज़रा और आला अस्करी क़ियादत ने शिरकत की। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट ही नहीं अदलिया पर भी हमला है। मुल्क में रही सही जमहूरियत का गला घोंटकर शख्सी हुक्मरानी कायम की जा रही है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तनकीद, कहा हुकूमत को आइन में इदारों के मुतय्यन इख्तियारात छीनने नहीं देंगे। तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से हुकूमती इकदामात रोकेंगे। शहबाज शरीफ ने FIA की जानिब से भेजे गए सवालनामे का जवाब भी जमा करा दिया। अपोजिशन का ग्राउंड पर कोई काम नहीं, ये 2 साल बाद इलेक्शन में नाकाम हो गए। वफाकी वज़ीर दाखला शेख रशीद कहते हैं ये पगड़ियां उछालने का वक्त नहीं। पाकिस्तान बड़े हसास दौर से गुजर रहा है। सियासत मशरिक से तुलू हो रही है, सियासतदान मगरिब की तरफ देख रहे हैं। 22 अक्टूबर से सियासत में तेजी आएगी। नाला लई का जल्द इफ्तिताह हो जाएगा, जिसके बाद सियासत को खैरबाद कह दूंगा। वफाकी वज़ीर दाखला शेख रशीद ने रावलपिंडी विमेन यूनिवर्सिटी में नए ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। अमरीका की नायब वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ से मुलाकातें। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगानिस्तान में पायदार मईशत की तामीर के लिए ठोस इकदाम की ज़रूरत है। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारत की इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ खत्े में अमन के लिए ख़तरा हैं। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान से इनखला में पाकिस्तान की मुआवनत को सराहा। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान और नाराज़ अरकान में डेडलॉक बरकरार। गवर्नर बलूचिस्तान ने 3 नाराज़ सूबाई वज़रा के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। मुस्ताफ़ी वज़रा में ज़हूर बलेदी, सरदार अब्दुलरहमान खेतरान और असद बलोच शामिल। नाराज़ वज़रा ने गुज़श्ता रोज़ अपने इस्तीफ़े गवर्नर सैयद ज़हूर आगा को दिए थे। सिंध हाई कोर्ट का सजा याफ्ता और जमानत पर रिहा अफसरान को ओहदों से फौरी हटाने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी को अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। मुख्तलिफ महकमों से फारिग किए गए अफसरान की रिपोर्ट भी पेश। दौरान समाअत जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने कहा कि दाल में कुछ काला है, हमें घुमाए फिराए नहीं, सच बताएं अदालती हुक्म पर क्या हुआ, कहाँ से मिलते हैं ऐसे अफसरान। अदालत ने सिंध हुकूमत से एक बार फिर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध हुकूमत गंदम जखीरा करके आटा महंगे दामों बेच रही है। वजीर मुमलिकत फारूख हबीब और मुआवन खसूसी महमूद मौलवी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। फारूख हबीब ने कहा सिंध हुकूमत आवाम के साथ जुल्म कर रही है। कराची के आवाम 20 किलो आटे का थैला 1500 रुपए में खरीदने पर मजबूर है। महमूद मौलवी ने कहा अगर सिंध हुकूमत के पास गंदम नहीं है तो वफाकी हुकूमत को बताए। Thank you.
महकमे बल्दियात का लाहौर में नक्शे के बगैर बनने वाली तमाम इमारतें गिराने का हुक्म। सेक्रेटरी बल्दियात ने बिल्डिंग इंस्पेक्टर कदीर सलीम को सादी पार्क में चार मंजिला प्लाजा बनने पर मुअत्तल कर दिया। शोकॉज नोटिस भी जारी। गैर कानूनी इमारतें गिराने के लिए सेल कायम। सेक्रेटरी बल्दियात की हिदायत पर नक्शे के बगैर बनने वाली तमाम इमारतों का डाटा इकट्ठा करने का काम शुरू कर दिया गया। बरतानिया ने 47 ममालिक के लिए सफरी पाबंदियां नरम कर दी। रेड लिस्ट से निकाल दिया पाकिस्तान भी शामिल। फैसले पर अमल दरामद पीर की सुबह से होगा। पाकिस्तान से आने वाले अफराद की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी तस्लीम किए जाएंगे। मंजूरशुदा वैक्सीन लगवाने वालों को करंटीना नहीं करना पड़ेगा। लाहौर हाईकोर्ट का क्रिकेट मैचों के दौरान रास्ते बंद ना करने का हुक्म। टीमों को स्टेडियम तक पहुंचाने के लिए सिग्नल फ्री रास्ता इख्तियार करने की हिदायत। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मरीज ने एम्बुलेंस में मरना है या हमने ख्वार होना है तो कोई वजह होनी चाहिए। आगे गैर मुल्की टीमें आएंगी तो क्या होगा। SSP ट्रैफिक का 15 लाख गाड़ियाँ ट्रैफिक में फंसे रहने का एतराफ। अदालत ने कहा कि गाड़ियों के धुएं से फिजाई आलूदगी बढ़ी। हम शहर की फिजा के साथ ऐसा खेल नहीं खेल सकते। PCB हुकाम टीमों को कजाफी स्टेडियम के पास होटल में ठहराएं। अदालत ने पीर को होम सेक्रेटरी को तलब कर लिया। डॉलर की परवाज रुक गई। इंटरबैंक में डॉलर की कदर को कमी का सामना। 12 पैसे कमी से एक डॉलर की कीमत 170.75 रुपये हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स की 44,500 की सतह पर ट्रेडिंग। कोरोना केसेस की शरह 2% से नीचे आ गई। 24 घंटे के दौरान वबा से मजीद 26 अमवात, 912 नए केस सामने आए। NCOC के मुताबिक 2763 मरीजों की हालत तश्वीशनाक। मुल्क में मस्बत केसेस की शरह 1.99% रह गई। इस्लामाबाद में डेंगू मच्छर के हमलों में तेज़ी। गुज़श्ता 24 घंटों में 117 नए मरीज। DHO के मुताबिक रवा सीज़न के दौरान जुड़वा शहरों में डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 932 हो गई। डेंगू से 5 अफराद जाँ बहक भी हो चुके। वज़ीर-ए-आला पंजाब का सालाना तरक्याती प्रोग्राम के फंड्स के कम इस्तेमाल पर इजहार तशवीश। ब्यूरोक्रेसी की कारकर्दगी पर नापसंदीदगी का इजहार। वज़ीर-ए-आला की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी ने नाकिस कारकर्दगी वाले सेक्रेटरीज को अदम इत्मीनान के लेटर जारी कर दिए। फंड्स का ज्यादा इस्तेमाल यकीनी बनाने वाले अफसरान को तारीफी सर्टिफिकेट जारी। वज़ीर-ए-आला पंजाब से वज़ीर आज़म के मौवने खसूसी आमिर डोगर की क़यादत में अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। महंगाई के खिलाफ इकदाम की यकीन दहानी। उस्मान बुज़दार का 12 रबीउल अव्वल तक अशराए रहमत लिल आलमीन मनाने का ऐलान। चीनी और भारत के फौजों में एक और सरहदी झड़प, कशीदगी बढ़ गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक सरहदी झड़प भारतीय रियासत उत्तराखंड में चीन की सरहद पर हुई। दोनों मुल्कों के कोर कमांडर्स की मुलाकात से एक हफ्ते पहले सरहदी झड़प ने पहले से मौजूद सरहदी कशीदगी में मजीद इजाफा कर दिया। भारत में गैर मुल्की सिफारतकार भी गैर महफूज। हरासगी का वाकया सामने आ गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक बरतानवी सिफारतकार की जानिब से हरासगी का केस रजिस्टर करवा दिया गया। बरतानवी सिफारतकार टेनिस खेलने घर से निकली तो वाकया पेश आ गया। अमन का नोबेल इनाम सहाफियों के नाम। फिलिपाइनी और रूसी दो सहाफियों के लिए मुश्तरका तौर पर अमन का नोबेल प्राइज। फिलिपाइन की मारिया रेसा और रूस के दिमित्री मरातोव को प्राइज से नवाजा गया। नोबेल इनाम आलमी सतह पर इजहार राय के तहफ्फुज के लिए काविशों के एतराफ में दिया गया। और हुंजा के करीम का शादी यादगार बनाने के लिए अनोखा फैसला। दुल्हन को घर ले जाने के लिए गाड़ी के बजाय बुलडोजर का इस्तेमाल। वीडियो वायरल हो गई। सफर को महफूज और आरामदेह बनाने के लिए सोफा भी इस्तेमाल किया गया।
सबसे पहले आम खबर खेल के मैदान से। टी20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड में 3 तब्दीलियां की गई हैं। आजम खान, खुशदिल शाह और हसनैन की छुट्टी हो गई, जबकि फखर जमान, सरफराज अहमद और हैदर अली टीम में शामिल कर लिए गए हैं। 15 रुकनी स्क्वाड जिसकी कयादत बाबर आजम करेंगे, नायब कप्तान शादाब खान होंगे। मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हफीज, सुहैब मकसूद, इमाद वसीम, मोहम्मद नवाज, हसन अली, शाहीन आफरीदी और आसिफ अली टीम में शामिल है। जबकि चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम कहते हैं कि तब्दीलियां मैनेजमेंट की मुशावरत से की गई हैं, टीम को मजीद तवाजुन मिलेगा और स्पोर्टिंग स्टाफ का भी ऐलान कर दिया गया है। सकलैन मुश्ताक उबूरी हेड कोच और मंसूर राना मैनेजर मुकरर कर दिए गए हैं। टी20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड में 3 तब्दीलियां, आजम खान, खुशदिल शाह और हसनैन छुट्टी कर दी गई। इसके साथ साथ फखर जमान, सरफराज अहमद और हैदर अली को टीम में शामिल किया गया है। 15 रुकनी स्क्वाड की कयादत बाबर आजम करेंगे, नायब कप्तान होंगे शादाब खान, जबकि मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हफीज, सुहेब मकसूद, इमाद वसीम, मोहम्मद नवाज, हसन अली, शाहीन आफरीदी और आसिफ अली टीम में शामिल हैं। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम की जानिब से कहा गया कि तब्दीलियां मैनेजमेंट की मुशावरत से की गई हैं और टीम को मजीद इससे तवाजुन भी मिलेगा, जबकि स्पोर्टिंग स्टाफ का ऐलान भी कर दिया गया जिसमें सकलैन मुश्ताक उबूरी हेड कोच और मंसूर राना को मैनेजर मुकरर कर दिया गया है। टी20 स्क्वाड के अंदर तब्दीलियां की जा रही हैं और इसके लिए तैयारियां भी भरपूर तरीके से जारी हैं। टी20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड में 3 तब्दीलियां की गई जिससे आपको हम आगाह कर रहे हैं। इन तब्दीलियों में आजम खान, खुशदिल शाह और हसनैन की छुट्टी करवाई गई और इसके अलावा फखर जमान, सरफराज अहमद और हैदर अली को टीम में शामिल किया गया है। ये 15 रुकनी स्क्वाड जिसकी कयादत करेंगे बाबर आजम और नायब कप्तान होंगे शादाब खान, जबकि